का तो स्वागत है आप सभी का आपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो छात्रों, आपसे बता दूं कि इस वीडियो में आपसे एक मेन मेन पॉइंट्स क्लियर करने और जो कि सबसे मेन मुद्दा बना हुआ है सीओपी रिजल्ट को लेकर, तो डिटेल से बताने वाला हूं, जो कि छात्र परेशान उदास है, सब कुछ आप सभी को डिटेल से बताने वाला हूं, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की कोई जरूरत नहीं। उसके साथ साथ आपसे बता दूँ कि चैलेंज वोलेशन को लेकर AKTU की तरफ से नोटिस जरूर जारी किया गया। उसमें बताया गया है कि आप सभी लोग अपना फॉर्म अप्लाई करके वहाँ से जान सकते हैं कि अपना वोलेशन के द्वारा अपना रिजल्ट जान सकते हैं, ठीक है, क्या कुछ उसमें मार्क्स इंक्रीज हुआ है नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन छात्र, उसके पीछे काफ़ी सारे लोचे हैं तो जिनको मैं क्लियर करने वाला उस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा ताकि आप सभी के डाउट सारे क्लियर कंफर्म हो जाए, ठीक है छात्र। तो ये सारी बात हो गई, कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपका छूट जाता है गलती से भी तो सीधे आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ से आप सभी को रिप्लाई कर दूँगा, फिर वीडियो बनाकर सूचित कर दूँगा, ठीक है छात्र। चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि AKTU की तरफ से पर डे बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो के द्वारा, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं चैलेंज वोलेशन को लेकर काफ़ी सारा मुद्दा बना हुआ। देखिए छात्र, जिनका भी रिजल्ट अभी जारी हो रहा है, ठीक है, वो लोग 30 डेज के अंदर फटाफट से अपना जो है पोर्टल पर, ERP पोर्टल पर जाकर के सभी लोग अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, चैलेंज वोलेशन के लिए। लेकिन जिन छात्रों, मतलब कुछ छात्रों का जैसे कि मई में जारी हुआ था रिजल्ट, जून में जारी हुआ था, कुछ का जो है मार्च में जारी हुआ था, उनके लिए प्रॉब्लम बनी हुई कि सर हमारा तो डेट निकल चुकी है, अब हम यहाँ पे कैसे फॉर्म अप्लाई करें। देखिए छात्र, आप एक काम कीजिए, आप ERP की वेबसाइट पर जाइए, ठीक है, वहाँ पे सिंपल वहाँ पे ऑप्शन रहेगा अप्लाई करने का, वहाँ से अप्लाई, तो छात्र वहाँ से अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन इसमें कितनी हद तक सच्चाई है ये तो आने वाले समय में कंफर्म हो जाएगा, ठीक है छात्र। तो ये सारी बात हो गई कि उन सारे छात्रों के लिए, तो एक बार आप ट्राई ज़रूर कर लीजिए, अगर नहीं मिलता है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा, जैसे मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। और किसी से छात्र का हो जाता है तो वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप सभी का हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है छात्र। और जिनका अभी रिजल्ट जारी हो रहा है उनका 30 डेज में कंफर्म है कि उन सभी का जो है इवेलुएशन फॉर्म आप सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बात क्लियर हो जानी चाहिए। बाकी अभी मैं आप सभी का COP रिजल्ट को लेकर बता देता हूँ। देखिए छात्र, COP रिजल्ट का काफ़ी सारा मुद्दा बना हुआ है, मैं समझ रहा हूँ कि काफ़ी सारे छात्र परेशान हैं कि हमारी डेट निकली जा रही है और ना तो मतलब एग्ज़ाम कि फिर से एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए दिक्कत होती है, ऊपर से चैलेंज इवेलुएशन तो क्या ही है उनके लिए। तो छात्र, मैं आप सभी की बातें समझ रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है AKTU को, मैंने ऐसे यहाँ पे डाला हूँ कि यहाँ पे AKTU इस चीज़ को देखे और समझे कि देखिए छात्र कितना परेशान है, छात्र है ना। तो देखिए, फिर भी आप परेशान मत होइए, मैं आप सभी को बता दूं कि वन वीक का टाइम अभी आप सभी को वेट करना पड़ सकता है। उसके साथ साथ में एक्चुअली क्या है ना कि जो भी जून के छात्र हैं, जो भी जून के COP के छात्र हैं, उन सभी की कॉपी चेकिंग अभी चल रही है। तो जहां तक पूरा अनुमान लगाया जा रहा है कि AKTU सारे COP के छात्रों का रिजल्ट एक ही साथ अनाउंस करने की फिराक में है, तो इसलिए जो है COP का रिजल्ट सारे महीने के छात्रों का रिजल्ट में लेट किया जा रहा है ना। तो ऐसा पूरा अनुमान लगाया जा रहा है, तो आप सभी को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग छात्र, पूरी उम्मीद है कि एक वीक के अंदर अंदर सारे COP के छात्रों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, है ना। तो ये सारी खबर निकल कर सामने आ रही है। बाकी आप सभी लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही किसी भी दिन रिजल्ट निकल कर सामने आता है, सबसे पहले आप सभी को वीडियो मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए, आप सभी लोग अपना रिजल्ट देख सकें, ठीक है छात्र। तो छात्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, है ना। कोई डाउट कन्फ्यूजन आ जाता तो आप सीधे हमें कमेंट बॉक्स पूछ लीजिएगा, चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।